रॉकेट इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करते हैं, जिसमें न्यूटन सर कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हम इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज पर फोर्स लगाएंगे, बदले में वह भी हमें उतना ही फोर्स देगी। इसी सिचुएशन को समझ चार्ज्ड हीलियम एटम्स होते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल चुके हों। मैग्नेट के कारण अल्फा रे के पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं। बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स की एक्सट्रीम होती है। मैग्नेट से गुजरने के बाद वे अल्फा रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती हैं। क्योंकि बीटा रे के इलेक्ट्रॉन्स का मास अल्फा रे के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से कम होता है, इसलिए बीटा रे ज्यादा बेंड होती हुई वो उल्टा नहीं खुलेगा हृदय की तरफ कर वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़